कि तुमको मुझसे इतनी नफरत है। क्या करूं मैं समझ ना पाई तेरे चेहरे का बदलता रंग। क्या करूं मैं पढ़ ना पाया तेरी आंखों का बदलता ढंग। ओ मैंने सपनों में भी ना सोचा था कि तुमको मुझसे कितनी शिकायत है। ओ मेरे मालिक मुझको बता दे क्यों मेरी चाहत उसने भुला दी। मेरी मोहब्बत मेरी वफाएं क्यों अपने दिल से उसने मिटा दी। मुझको बता दे क्यों मेरी चाहत उसने भुला दी। ओ मैंने सपनों में भी ना सोचा था कि तुमको मुझसे कितनी शिकायत है। सपनों में भी ना सोचा था कि तुमको मुझसे कितनी शिकायत है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आ गए? आज कितनों को कब्रिस्तान का रास्ता दिखा कर आया हूँ। हाँ बेगम, तुम इन जली कटी बातों से कब बाज आओगी? अरे मेरी इस हालत को तो देखो। अरे औरों की बीवियां तो अपने मियां का इस्तकबाल बड़े प्यार से करती हैं। क्या करूं, इस्तकबाल तो तब किया जाता है जब मेरा मियां अपने बोसीदा से थैले में दवाइयों की खिचड़ी के बजाय मेरे सोने के काने के कुंडली ले आता। सोने के कुंडल ले आता,
बेगम तुम अब इस ढलती हुई जवानी में जो साली का भी जवानी न पाई आज जवान होने चलिए। अगर तुमने मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी निकाला तो ये जलता हुआ कोयला मैं तुम्हारी कुर्सी के नीचे रख दूंगी। डर गए भाई बेगम, अब इन 30 सालों में हमने यही सीखा है कि तुमसे कोई बैद नहीं है। अच्छा छोड़ो मिया, ये बताओ आज कितने पकड़े? पकड़े? अरे क्या मैं चिमटा लिए घूम रहा हूँ पकड़े? जब मेरा कोई मरीज मुझसे दवाई लेके जाता है तो उसे दूसरी खुराक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे मिया पड़ेगी कैसे, उन्हें तुमने दूसरी खुराक लेने लायक छोड़ा ही नहीं होगा। बेगम 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 कुछ इस गरीब के पेट का भी तो ख्याल करो, कुछ खाना वाना ले आओ। मैंने कुछ खाना वाना नहीं बनाया। भला क्यों? मैंने सोचा था आज अंडे का सालन बनाऊंगी तो मैंने भेज दिया चुन्नू को भाई बच्चन के अंडे लेने। और जो तुमने भाई बच्चन की मुर्गियों को ज्यादा अंडे देने की दवाई दी थी वो 3 हवाखोरी कर रही हैं बड़े मजे में। अरे बेगम तुम्हारे नाम का इज्जत ही कर लिया करो। अरे जब मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करती तो तुम्हारे इस खाक पड़े नाम की क्या इज्जत करूंगी। और हाँ वो ये भी कह रहे थे कि अगर ये दवाई मेरी मुर्गियों की जगह मेरी बीवी को पिला दी होती तो हमारे 11 की जगह बस 2 ही बच्चे होते। अच्छा अच्छा। और कुछ ही देर पहले भाई बच्चन आके हमारे दरवाजे और कह रहे थे हकीम से तमगर आ जाए तो हमें इत्तला कर देना। अब जल्दी से जाके मेरी इस पेट की आग को तो ठंडा करो। अच्छा छोड़, मैंने अंडे की जगह मुर्गे का सालन बनाया है, बहुत ही उम्दा है और काजू और मखाने भी डाले हैं, खा लो। हाय हाय हाय, इतनी देर में पहली दफा तुमने कोई ढंग की बात की है। ओफो, इस घंटी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। अब इस घर में या तो घंटी रहेगी या मैं। घंटी 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 घंटी। अस्सलाम वालेकुम हकीम जुकनवर साहब, मैं हूँ भूरा। हकीम साहब आपकी दवा खाके मेरे जिस्म का सारा दर्द गायब हो गया, कोई ऐसी भी दवा दो कि मेरी बीवी की जुबान को भी थोड़ा आराम मिल जाए उससे। बोलो मेरी बीवी सुन लेगी तो और मेरी भी मुसीबत हो जाएगी। मैं तुम्हें कैसी दवाई देता हूँ, कैसा लेगी दवाई? रात को सोते वक्त खिला देना, बस उसके बाद सुबह इंशाल्लाह उसकी जबान बिल्कुल ही बंद हो गया। अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे। और हकीम जी पैसे? पैसे की कोई फिक्र नहीं, जब किसी इलाज से फायदा हो जाए फिर आप उससे रब्ता कीजिए। क्या बात है। अगर तुमने अब की बार किसी को गलत दवाई दी तो मैं तुम्हारे खाने में ऐसा जमाल गोटा मिलाऊंगी कि तुम्हारा बिस्तर हमाम में ही लगाना।